नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। तो भाइयों, फ्रेम में भी आपको दिख रही है मेरी XUV 500 और इसकी एक और ड्रैग रेस लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए। और ये जो ड्रैग रेस है, कोई सेंस है नहीं इस बात का, जानता हूँ मैं, पर ये वाली जो होंडा की ब्रियो है ना, ये गाड़ी है स्टेज टू ट्यून्ड। तो पहले अपनी वाली की बात करूँ, ये भी स्टेज टू ट्यून्ड है। तो बेसिकली बैटल ऑफ ट्यून्ड कार्स, दोनों गाड़ियाँ स्टेज टू ट्यून्ड है। अपनी पावर स्पेक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये निकालती है अब 170 BHP और मोटा मोटा अपना 400 NM का टॉर्क, डीजल है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ। तो लॉन्च ऑटोमेटिक तो ठीक ले लेती है, पर मैनुअल जैसा लॉन्च ऑटोमेटिक कभी नहीं ले पाएगी। ऊपर से छोटी सी, देखो कितनी सी, 2 इंच की गाड़ी है सारी भाई, देख के बड़ी हंसी आती है इस गाड़ी को। बाकी साइज वेट का बहुत फैक्टर है इस गाड़ी का, और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फैक्टर है, बहुत ये है ना, सौदा मैनुअल। तो स्टेज टू वर्सेस स्टेज टू है क्या? पहले पावर बताओ मेरे को अपनी ब्रियो की। 110 BHP और 140 NM टॉर्क, 110 BHP 140 NM टॉर्क मैनुअल। दिस भाई एक्सयूवी का कितना वेट? ये 250 किलो की गाड़ी भाई, एक्सयूवी 2000 के आसपास, 2000 के आसपास 900 किलो की भाई, और उसमें 850 किलो। अबे आया मजा, कसम से भाई लेग प्रेस मार लूंगा इसको। तो भाई करते हैं ड्रैग रेस शुरू और देखते हैं कौन सी गाड़ी कितने आगे जाती है। दोनों गाड़ियां स्टेज टू है, तो चलो। तो भाई पहले राउंड के लिए जो है अपनी XUV के अंदर मैं आगे बैठ चुका हूँ। ये बड़ी ट्रैक्शन तो आता नहीं है, ट्रैक्शन नहीं आता, ESP नहीं आता, एयरबैग भी नहीं आता, और ABS भी नहीं आता। अब समझ रहे हो भाई, थोड़ा दूर करके ब्रेक मारूंगा क्योंकि ब्रेक बिल्कुल धीरे धीरे मारने पड़े। हाँ पीछे होगा तो वैसे भी मार लियो। ये जो ड्रैग है ना, ये स्टेज टू वर्सेस स्टेज टू नहीं है, ये इको वर्सेस इको है। दोनों भाइयों की जबान लगी है, वो मेरे ब्लॉग में देख लेना। एक हफ्ते का खेल खत्म, तो क्या रहेगा आपका भाई? एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ डी, एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ और नॉर्मल डी में, और ये आपको पता भाई कुछ आता ही नहीं है। मैं जरा गाड़ी सीधी कर लेता हूँ गाइस। भाई एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ डी, रात के 2 बज रहे, पब्लिक सो रही है। हो, 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 हो। करो भाई, चलो 1-2-3 आप कर लो। तो 1-2-3 कैसे करोगे फिर? चल ठीक है, हट जाएगा। अब कौन जा रहा है? ही इज अ इंटेलिजेंट गाय बिकॉज ही इज अ गाय, ओके, या। तो भाई पहला राउंड एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ, और हॉर्न भाई को मारेगा। अब यहां दिखेगा, जैसे वो बटन दबाया फिर बदला। हाँ पर वो भाई वो तो वैसे भी हो जाता है, ऐसे कर दो हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगा अभी। यार भाई का लॉन्च थोड़ा लेट हुआ है, शर्म नहीं आ रही? क्यों कर, ऑफ ही है मेरा, सब ऑफ है, फुल है। ये भाई है ना, ये 1-2-3 कर लेंगे ऐसे, 1-2-3 ठीक है, बेस्ट है, सही है। कहीं दबा पीछे दबा रहना है तेरे को, करो भाई।
तो भाई नेक्स्ट राउंड भाई कर रहे 1 2 3 एक दो तीन चल चला भाई भाई ये होता है डीजल अब जो थर्ड राउंड है थर्ड राउंड में देखते भाई क्या करते हैं आजा लगा लो अब कौन सा बहाना है भाई भाई लास्ट राउंड कर रहे हैं मैं तेरे बहाने का इंतजार कर रहा था बहाने का नहीं भाई क्लियर विनर है मैं तो खुद बोला कैमरे में क्लियर विनर कैमरे वीडियो की शुरू में तेरी वीडियो अभी तक साथ चली थी बिल्कुल उसके बाद आपकी खींचती भी गई है थर्ड ईयर लगते ही अलग बोल रहा हूं सुन ले रहा है लर्निंग लॉन्च भी पहले ही उठा लूंगा तो भाई दो राउंड करे दो अपना दो राउंड की वजह तो ये रही है एक तरफा और थर्ड राउंड वो ऑन कर रहे करो भाई चलो लो जी भाई क्लियर विनर हम एक्सीबी को मानते हैं मान गए चलो कंपटीशन बहुत तगड़ा था कहाँ का कंपटीशन कौन सा कंपटीशन भाई कंपटीशन में तब मानता हूँ जब एंड एंड लाइन तक एकदम साथ चल रही हो इनिशियल में तो भाई ये उठ के चला जाता है फिर जब मेरी ऐसे आती है ना साइड से यूज आ रही होती है इसकी शक्ल देखता हूँ तो भाई करी हमने ड्रैग रेस ब्रियो की और 500 की भाई कोई मैच नहीं था पर तुषार ने बोला कि जीतेगा क्योंकि एक तो वजन है नहीं इस गाड़ी में वेल्वेट्रॉनिक वैसे लगा हुआ है स्टेज 2 वैसे ट्यून हो रखी नेचुरली एस्पिरेटेड वैसे ही आती है वो गाड़ी तो मैनुअल की वजह से कहीं ना कहीं उस गाड़ी को हमेशा से एडवांटेज रहा है पर अपनी गाड़ी की जाके शेयर करो भाई प्यार दिखाओ और जो भी भाई अपने ड्रैग रेसेस या फिर रिव्यूज के लिए इंटरेस्टेड है जो भी अपना दिल्ली एंड शहर में हमारे प्रिय मित्र रहते हैं मैसेज करो मेल करो और मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद